दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार टीवी सुभाष सिंह जौनपुर में सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, किरण मजबूत का सलूशन चल रहा है, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा है। टाइप फोर का 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? ठीक, हम देखते हैं। कह रहा है कि 2 बालक हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है? 4:5। फिर क्या पूछ रहा है? 21 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? यहीं से 21 वर्ष आगे जाएंगे तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। रियल वैल्यू कितना कह रहा है कि 3 वर्ष, कितना? 3 वर्ष। ठीक, और हम इनका अंतर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये देख रहे हैं कि हम पहले इनकी आयु हम मान लेते हैं 3 वर्ष थी, बाद में 4 वर्ष हो गया अनुपात में। ठीक, और रियल में कितना कह रहा है कि 3 वर्ष, अनुपात में अंतर कितना आया? 1 वर्ष। ठीक, तो 1:1 का मान कितना आ रहा है? 3 की रेशियो में 1 की वैल्यू कितना है? 3। ठीक, अगर देख रहे हैं 3 और इसमें 4, 5, मतलब 1 का अंतर आ रहा है, बराबर है। 1 रेशियो का मान 3 है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे 3 * 9 = 12। 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। फिर इसको निकालेंगे, 4 * 3 = 12 और 15। 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितना हो जाता है? 12 और 15। कह रहा है कि 21 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात क्या हो जाएगा? 21 वर्ष बाद 21 में जोड़ेंगे तो 9:12 वर्तमान में है। फिर कह रहा है कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या हो जाएगा? 21 में जोड़ देंगे, 21 में भी जोड़ देंगे, 21 * 9 = 30, 2 * 1 = 3, 2 * 1 = 3 = 33, 30:33। इसको हम काटेंगे, 3 * 2 = 30, 11 बार जाएगा, 10:11। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यही परम सत्य होगा। कौन सा? 4 नंबर जो ऑप्शन है यही सत्य होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, 21 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? ठीक, पहले उनका अनुपात कितना था? 3:4 था। फिर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वह रेशियो हो जाता है 4:5। हम क्या देखते हैं कि जो रियल वैल्यू दिया है 3 वर्ष दिया है। ठीक, और यहाँ हम देख रहे हैं अंतर कितना आ रहा है, 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, मतलब रेशियो में 1 की वैल्यू कितना है? 3 वर्ष। ठीक, तो हम रियल वैल्यू निकाल लेंगे, 1 रेशियो का मान 3 है, तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 9, 4 रेशियो का मान हो जाएगा 12, 9 और 12 आ गया। ठीक, कह रहा है कि 21 वर्ष बाद, वर्तमान में जो है उससे 21 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसमें 21 जोड़ देंगे, हो जाएगा 10:11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पिता कह रहा है, पिता पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात कितना है? 11:10 है, 11:10 है। ठीक,
जब उनके बेटे का जन्म हुआ, जब उनके बेटे का जन्म हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:18 होगा। कब होगा? 19:18 होगा। कितना? 19:18 होगा जब पुत्र की आयु, कब होगा? जब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, कब हो जाएगा? कह रहा है कि अनुपात इतना हो जाएगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तब पिता और माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक, ऑप्शन है 15:14। दूसरा ऑप्शन है 14:13। तीसरा ऑप्शन है 16:15। चौथा ऑप्शन है 17:16। कितना? 17:16। ठीक, कह रहा है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है जब उनके बेटे का जन्म हुआ। कौन कौन है? पिता, माता और पुत्र। ठीक, कह रहा है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है जब उनके बेटे का जन्म हुआ। अभी इनका जन्म हुआ है। ठीक, फिर कह रहा है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। कितना हो जाएगा? 19:18 होगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी? वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें यहीं से क्वेश्चन पकड़ना है। 2 गुनी हो जाएगी वर्तमान आयु की, इसके मतलब ये होगा हमें वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। वाई वर्ष है, ये कब है? यह वर्तमान आयु है, प्रेजेंट टाइम में इनकी आयु वाई वर्ष है। हम इनका क्या कर लेंगे? इधर हो जाएगा 11x, इनका 10x हो जाएगा, अनुपात लगा लेंगे x का, तो इधर हो जाएगा 19x, इधर हो जाएगा 18x। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात इतना था 11x 10x जब उनके बेटे का जन्म हुआ। तो इनका जन्म हो गया, फिर कह रहा है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इनका जो पुत्र है, इनका उम्र कितना है? वाई वर्ष हुआ। तो जब इनका उम्र वाई वर्ष हुआ है तो हम क्या करेंगे? पिता जो है ये भी वाई वर्ष आगे निकल जाएगा और माता भी, इनके में भी 11 ऐड करेंगे। जब इनके बेटे का जन्म हुआ तो इनका आयु कितना था? 11x। अब वाई वर्ष बाद इनका आयु कितना हो जाएगा? 11x+y। रेशियो लगा लिए, इनका हो जाएगा 10x+y। ठीक, यही तो कह रहा है। कह रहा है कि पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यार इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे 11x, फिर हम यहाँ देखते हैं कि जब पुत्र की आयु हो जाएगी 2y वर्ष, कितना हो जाएगा? 2y वर्ष क्यों हो जाएगा? यहाँ कह रहा है कि वर्तमान आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पहले वाई वर्ष है,
बाद में टू वाई हो गया, या कैसे प्राप्त हुआ, जब वाई में वाई वर्ष जोड़े हैं तब टू वाई प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस वाई, पहले से वाई जोड़ेंगे हो जाएगा 2y, और यहाँ 10x प्लस 2y, या किसके बराबर है, कह रहा है कि 19:18 के बराबर है, यही सॉल्व कर देंगे। कितना 11x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 10x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 19/18, इसको सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं 11 का 18 में गुणा करेंगे, 11 8 88, हाथ से लगे 8, 11 के 11 8 19, 198x प्लस 36y दिस इज इक्वल टू 19 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 190x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 38y, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखेंगे 198x इधर है और 190 इधर है, इसको इधर लेके आएंगे, 8 बचेगा 8x बराबर 36y है, इधर 38y में से 36y घटाएंगे कितना हो जाएगा 2y। ठीक, 2 × 8 तो x बटे y बराबर 1/4, मतलब x अगर 1 है तो y कितना है, 4 है। ठीक, हमें इसमें क्या पूछा है, पिता और माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हम यहाँ क्या है, ये वाला है 11x + y 10x + y, तो 11x का मान कितना है 1 प्लस y का मान कितना आया है 4, रेशियो लगा लेंगे, फिर कह रहा है 10x का मान है कितना 1 प्लस y का मान कितना है 4, इसको सॉल्व करेंगे यही आंसर आ जाएगा, 11 11 4 15 रेशियो 10 4 14 15 रेशियो 14, जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यही सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सिमी और सीमा, और सीमा, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, फिर क्या कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है, सिमी की वर्तमान आयु, सिमी की वर्तमान आयु क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहा है 12 15 24 21, ठीक,
सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है सिमी और सीमा दो लोग हैं, सिमी रेशियो सीमा। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कितना? सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। फिर कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, कितना? 9 वर्ष ऐड कर देंगे, उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। कितना? 8:7 हो जाता है। सिमी की वर्तमान आयु क्या है? यह है वर्तमान आयु का जो रेशियो है 5:4। ठीक, फिर 9 वर्ष बाद यह हो जाता है, तो वर्तमान आयु की जो रियल वैल्यू है वही पूछ रहा है। ठीक, हम देख लेते हैं कि रेशियो में जब कह रहा है कि पहले सिमी रेशियो में 5 है और सीमा 4 है, बाद में 9 वर्ष बाद यह रेशियो चेंज होकर 8:7 हो जाता है। रियल वैल्यू 9 वर्ष है, इन दोनों का अंतर भी बराबर होना चाहिए। हम देखते हैं अंतर कितना आता है, 5 और 8 का अंतर 3 है, 4 और 7 का अंतर 3 है, मतलब रेशियो सही है। तो रेशियो में 3 की वैल्यू कितना है, 5, 3, 8, 4, 3, 7, मतलब रेशियो में 3 की वैल्यू कितना है, 9 वर्ष। 9 वर्ष, ठीक। रेशियो में 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 वर्ष। 3 वर्ष, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इस 1:1 की वैल्यू जो है 3 वर्ष है, तो 5:1 की वैल्यू हो जाएगी 15 वर्ष और 4:1 की वैल्यू हो जाएगी 12 वर्ष। ठीक, किसका पूछा है, सिमी की वर्तमान आयु। सिमी 5:1 था, मतलब इनका रियल वैल्यू हो जाएगा 15 वर्ष। 15 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 यही सत्य आंसर होगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं। कह रहा कि सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, मैंने लिख लिया 5:4। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। हम देखते हैं जो रियल वैल्यू है वह 9 वर्ष दिया है, बाकी रेशियो में जो अंतर दिया है वह 3 दिया है। तो मतलब 3:9 का मान 9 है, 1:3 का मान 3 वर्ष हो जाएगा, तो 1:3 का मान 3 है, तो 5:1 का मान हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा जाएगी, परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9B। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, उनकी उम्र का अनुपात अनुपात 5:4 हो जाता है, 5:4 होगा। ठीक, 4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है? वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है? पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि 12, 16, 18, 21। कह रहा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। कौन है? एक तरफ अमित है, एक तरफ है वैभव। कह रहा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। वर्तमान में हमें पता नहीं, बस इतना पता है कि वह वर्तमान में कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है।
वर्तमान में 5 वर्ष बढ़ा है, 4 वर्ष बाद यहाँ से 4 वर्ष आगे जाएंगे, यहाँ से 4 वर्ष आगे जाएंगे तब क्या हो जाता है कि उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 5:4। अमित अगर 5 साल का है तो वैभव 4 साल का है। हमें एक बात ध्यान देना है कि कह रहा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, वैभव से अमित 5 वर्ष बड़ा है वर्तमान में। तो अगर वर्तमान में जितना बड़ा होगा वही आगे चल कर फिर बड़ा होगा, या तो थोड़ी है कि आज 3 साल बड़ा है तो कल 4 साल बड़ा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। जो है इनका अंतर हमेशा समान ही रहेगा, तो आज 5 वर्ष बड़ा था तो कल भी 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा, तो 4 वर्ष बाद यह रेशियो 5:4 हो जाता है। अंतर हम देखते हैं 1:1 का आता है, 1:1 का मान कितना दिया है 5 वर्ष। कैसे पता चला? क्योंकि अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, यह 4 वर्ष पहले भी 5 वर्ष बड़ा था और 5 वर्ष जब 4 वर्ष बाद जाएंगे तो भी 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, कह रहा है कि 5 वर्ष बड़ा है तो 1:1 का मान 5 है, तो 5:1 का मान कितना हो जाएगा 25 और 4:1 का मान हो जाएगा 20। यह 4 वर्ष बाद 25 साल का हो जाता है, 4 वर्ष बाद 25 साल का हो जाता है, मतलब वर्तमान में कितने साल का है 21 वर्ष का है, और जो वैभव है वर्तमान में 20 साल का है, मतलब इसके 4 वर्ष पहले कितने साल का था 16 साल का था, कितना 16 साल का था। अमित 21 साल का है तो वैभव 16 साल का है। हमें पूछा कौन है, पूछा है कि अमित का उम्र कितना है, अमित है 21 साल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा, यही परम सत्य आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, क्या अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा, वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है। हम देखते हैं, कह रहा है कि अमित जो है वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अगर अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है तो 10 साल बाद भी वह 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा, कम और ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अमित जितना बढ़ रहा है उतना वैभव भी बढ़ रहा है, इसलिए उनकी जो दिया है अंतर वो हमेशा समान रहेगा। तो कह रहा है कि 5 जो 4 वर्ष बाद है यह रेशियो हो जाता है 5:4 का। हम देखते हैं इनका जो रेशियो अंतर है, 1:1 का मान कितना है 5 वर्ष, 1:1 का मान कितना है 5 वर्ष, जो कि यहाँ दे रखा है पहले से, 1:1 का मान 5 वर्ष है तो 5:1 का मान हो जाएगा 25 वर्ष, 4:1 का मान हो जाएगा 20 वर्ष, इसलिए 4 वर्ष पहले क्या मैटर पूछा है 16 वर्ष का था वैभव, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन किसका पूछा है अमित का, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।